क्या हो, कोई प्रॉब्लम है इस घर से? आप पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं? सब जानते हुए आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? किसने कहा तुम्हें कि मैंने पार्टी के लिए कपड़े पहने? क्या मैं घर पर ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता? बातें तो मत ही बनाई, मैं जानती हूँ आपको। आप घर पे बेवजह ऐसे कपड़े थोड़ी पहनेंगे। हाँ नहीं पहनता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं पहन सकता। अच्छे कपड़े, मूड किया पहन लिया, नहीं कुछ पहन लो, बीमार लग रही हो। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? यहाँ मेरा सोच के दिमाग खराब हो गया कि मैं दादी को सच कैसे बताऊंगी, और आप, आपको कपड़ों की पड़ी है। मैं चेंज नहीं कर रही। तुम चेंज कैसे नहीं करोगी? क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। हाँ तो मैं, हाँ तो जाके चेंज कर लो। नहीं करूंगी। अरे अगर तुमने कपड़े नहीं चेंज किए ना, तो मैं अपना माइंड चेंज कर लूंगा। नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, 100 बारी नहीं करूंगी। प्लीज कर लो ना, वरना। वरना क्या? वरना दादी। दादी क्या? वरना दादी सबके सामने पोल खोल देंगे कि जब मैं छोटा था तब मैं। जब छोटे थे तब? तब क्या? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अरे बताइए ना, जब छोटे थे तो क्या? छोटा था, मैंने कहा ना नहीं बता सकता मैं। देखिए आप बता दीजिए, वरना मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। पर ना जो थोड़े दिन पहले जो फंक्शन। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बैठिए। आई आई, तू मेरे साथ आ जरा। तू क्यों इतना खुश हो रही है? अरे खुश क्यों ना, इतनी बड़ी खुशी की खबर है। हमारे घर में पार्टी और इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, मीडिया आने वाला है, फोटो क्लिक होगा सबका, मेरा भी होगा, तो मैं खुश क्यों ना हूँ? ये बेवकूफ, जब तेरे बच्चे पैदा हुए थे तो किसी ने कोई फंक्शन किया था? नहीं ना, तुझे तो मातम मनाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि दादी तेरे बच्चों के साथ बेइंसाफी कर रही है। अच्छा? हाँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मम्मी जी कि आप आग लगाने का काम कर रही है? अरे आग में तुझे क्या लगाऊंगी, तू तो फुसकी बम है, वो भी ऐसी जो कभी फूटता ही ना हो। अच्छा एक बात कहूँ, जो कभी नहीं फूटते ना, अचानक से फूट जाते बम करके, पता भी नहीं चलता। और आप कैसे भूल गई, थोड़े दिन पहले की बात है ना, कैसे वो आपका नया नेकलेस मैंने प्रज्ञा को दिलवा दिया दादी के थ्रू। तो बेकार में मत उलझिए मुझसे। देखिए अभी फंक्शन शुरू होने वाला है ना, पता चला आपको इस नेकलेस से भी हाथ धोना पड़े। क्या करेगी तू? क्या करूंगी? अरे प्रज्ञा को जब सब लोग गिफ्ट देंगे ना, तो मैं ऐसा माहौल क्रिएट करूंगी कि आपको आपके गले से हार उतार कर प्रज्ञा को देना ही पड़ेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है, उसकी बम्मत बोलना आइंदा से। हाँ कोई बुला रहा है, आई मैं अभी। हाय रब्बा, जल्दी से जाके ये नेकलेस रख के आती हूँ, वरना ये तो मेरा नेकलेस ही गायब कर देगी। क्या हुआ मम्मी जी, क्या सोचने लगी आप? अरे मैं कुछ नहीं करने वाली, आपका नेकलेस आपके गले में ही रहेगा। मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपने मुझे थोड़ा सा छोड़ी है। हाय, बुला रहे, हाय। नमस्ते। देखिए दादी, आपको अपने इमोशंस थोड़े से कंट्रोल में रखने होंगे। अभी 2 दिन पहले ही तो आप हॉस्पिटल आई थी, अभी तक आपकी रिपोर्ट्स भी नहीं आई है और आपने घर में फंक्शन रख लिया है। देखिए दादी, इस वक्त आपको सिर्फ आराम की जरूरत है। हो गया? और मुझे जो चाहिए था ना वो मिल गया है। ये जो टेस्ट मैंने करवाया है ना, वो तो इसलिए करवाया था कि मेरी बहू का ना कुछ अजीब सा बर्ताव हो गया था मेरे साथ, उसकी वजह से कुछ मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए टेस्ट करवाया था। अब वो ही बहू प्रेग्नेंट हो गई है, और ये खुशी मेरे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब मुझे कोई आराम शराम की जरूरत नहीं, ना कोई दवा शवा लेनी है मैंने। फिर भी दादी आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस मत देना। हाय रब्बा, फिर लेक्चर शुरू कर दिया। चल इंदु, नाचते हैं गाते हैं धमाल मचाते हैं। माँ सदके कितनी सोनी लग रही है ये रौनक ना दीदी। माँ बनने की खुशी की है
एक्स्ट्रा ग्लो। दादी वो मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल ना बेटा। दादी दरअसल वो आप जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। कैसा नहीं है? अच्छा अच्छा समझ गई मैं। बेटा तू चिंता मत कर, मैंने ना तेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है, वो सरप्राइज हम सब ने मिलकर तैयार किया हुआ। दादी पहले मेरी बात, तू आ तो सही, पहले देख तो सही मेरा सरप्राइज। चल आ जाओ भाई। सोनू मैं पापा जी। ओ सोनी चल जल्दी जल्दी। ढोल कहाँ है? दादी आप ठीक तो है ना? दादी ठीक ठीक हो रहा? दादी पी लो। मैं ठीक हूँ बेटा, मामूली सा चक्कर आया था बस। दादी क्या जरूरत थी आपको इतना नाचने की? मैंने आपको कहा था ना अपने आप को इतनी तकलीफ मत दीजिए, आपकी रिपोर्ट्स नहीं आई है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, आप अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हैं? चेकअप रिपोर्ट्स मतलब? नहीं दीदी अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अभी दीदी है ना कुछ दिनों से बीमार चल रही है, उस दिन से जिस दिन से रचना की शादी करके प्रज्ञा लेके आई ना, मैं दीदी को हॉस्पिटल लेके गई थी, वहाँ दीदी के टेस्ट हुए और रिपोर्ट आनी बाकी है। डॉक्टर ने इन्हें टेस्ट लेने से मना किया है, लेकिन जब से प्रज्ञा की प्रेगनेंसी की खुशी की खबर सुनी इनके पाँव ही जमीन पे नहीं ठहर रहे, हर काम खुद कराती है, खुद से करती है, तबीयत नहीं बिगड़ेगी तो क्या होगा? बेटा तू ना इनकी बातों पे ना जाना, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब देखना रिपोर्ट आएगी ना, तू देख लेना उसमें कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ बेटा। बस अब कुछ नहीं बोलेगी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, आप ऊपर जाके आराम कीजिए। चलिए दादी चलिए। चलो तेरी तो मैं खबर लूंगी। अच्छी कोई खबर नहीं है ना, कितने दिनों से कह रहे थे स्ट्रेस ना लो, स्ट्रेस ना लो, कोई ठीक ना हो। आई नो इस उम्र में लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि मुझे दादी की हेल्थ को लेकर थोड़ा डाउट है। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आप अपनी दादी का ख्याल रखिए। प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको रिपोर्ट्स आने के बाद ही बताऊंगी। इस उम्र में ज्यादा खुशी और ज्यादा उदासी दोनों ही खतरनाक साबित हो सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दादी की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे पार्टी यहीं पर कैंसिल करनी पड़ रही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दादी को कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते, मतलब मुझे अब इसी झूठ के साथ जीना होगा। मुझे एक बात बताओ, ये प्यार दोस्ती शादी ये सारे रिश्ते किस लिए होते हैं? अकेले में अपनापन फील करने के लिए, बुरे वक्त में साथ निभाने के लिए, या फिर उदासी में खुशी फील करने के लिए? और अगर ऐसा है तो फिर कहाँ है सब खुशियों का? दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं, यहाँ पर अपनों के बीच में भी अकेला फील करता हूँ मैं। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ तनु, न सच का साथ दे पा रहा हूँ ना ही झूठ का। कुछ मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। क्या सब ठीक हो जाएगा? सच और झूठ में जीत किसी की भी हो, हार तो मेरी होगी ना। ना मैं अपने बच्चे को छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हें। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।